अगर हिंदुस्तान प्लस ग्रोथ दिखा रहा है, चाइना दिखा रहा है, तो आखिर हम भी इसी मिट्टी के बने? हम क्यों कहते हैं कि हमारे तो ग्रोथ माइनस हो जाएगी और हम तो कुछ कर नहीं सकते? हम अभी जो डाकू कैसे हमने गुजार लिया 1.5 साल, अब 3 साल हम कोरोना वायरस में गुजार लेंगे, ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया की मईशत तबाह हो गई, हमारे पाकिस्तान की जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं आने वाले साल में, जितने आलमी इदारे कह रहे हैं हम और गिरावट का शिकार होंगे, और इस हवाले से अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए आईएमएफ से ज्यादा इस वक्त, आईएमएफ से ज्यादा इस वक्त जिसे कहते हैं इनह्यूमन, गैर इंसानी फैसला कोई नहीं कर सकता। आईएमएफ ने कहा है कि हम उन मुल्कों को कोरोना की वजह से रिलीफ दे रहे हैं। ये 25 मुल्कों की लिस्ट में लेकर आता हूं, ये कोरोना के आखिरी 50 मुल्कों में आते हैं जहां अभी शुरू अभी 4, 5, 3, 2 केसेस हैं। अफगानिस्तान, बेनन, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, कांगो, गैम्बिया, गिना बिसाउ, हिटी, लाइबेरिया, मडागास्कर, मलावी, माली, मोजम्बिक, नेपाल, नाइजर, रवांडा, सेरेलोन, सलमोन, ताजिकिस्तान, टोको, यमन, टोमी, साइपी, ये 25 मुल्क मैंने मिनट में गिर दिए पहले। इनमें कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर 10 की फिगर में भी कोरोना का पेशेंट पहुंचाओ। जहां कोरोना है वहां आप कुछ नहीं कर रहे, पर कोरोना में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में ईरान आता है, ईरान को नहीं, ईरान की कोई 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 को रिलैक्स नहीं हो रही उसके, अच्छा टर्की नहीं हो रही, टर्की आता है और सब मुल्क कुछ आते हैं, नहीं होती। हमारे साथ शायद हसन सदीकी साहब मौजूद है लाइन पर, उनसे पूछते हैं, इकोनॉमी के ऊपर गहरी नजर रखते हैं और खासतौर पर शुरू दिन से कई हाल उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी पेश किए। अब शाहिद साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो आलमी इदारे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, हमारे पास बचत का रास्ता क्या है? इस सूरत हाल के अंदर हम किस तरीके से अपने दोबारा को पांव पे खड़े हो सकते हैं? कोई बचत का रास्ता हमारे लिए क्या निकल सकता है? देखिए अल्लाह ताला के ऊपर भी इतना बोझ नहीं डालता जिससे उसको उठाने की सकत ना हो, बेशक। दूसरी बात ये है, अगर इसी कोरोना वायरस के बाद चीन और भारत के मुतालिक ये कहा जा सकता है, कहा गया आईएमएफ ने उनकी ग्रोथ जो है वो मुस्बित रहेगी और खासी ज्यादा रहेगी। इन हरकतों का नतीजा क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ की हमारे मुल्क में मैं ऑफिशियल फिगर आपको दे रहा हूँ, 2002 में आप चले जाइए तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स थी, तो कायदे आजम कहते थे बचतें करो, वो हमारी 18% थी। बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया, गैर मुल्कियों को दे दिया, आज वो 4.6% पर आ गई। 5,500 अरब रुपया बचतों में आप कम कर रहे हैं 2002 के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले तो बहुत कम है। तो इस तरह से आपने मुल्क को मकरूज किया, बचतों की हौसला शिकनी की, चोरों को नवाजा, तो ये इक्तिसादी पैकेज है। इससे आप इसका मुकाबला करने चले हैं, इसकी आड़ में ताकतवर तबकों को मराद देना, कोरोना के खाते में डालना हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर हिंदुस्तान प्लस ग्रोथ दिखा रहा है, चाइना दिखा रहा है, तो आखिर हम भी इसी मिट्टी के बने? हम क्यों कहते हैं कि हमारे तो ग्रोथ माइनस हो जाएगी और हम तो कुछ कर नहीं सकते? हम अभी जो डाकू कैसे हमने गुजार लिया 1.5 साल, अब 3 साल हम कोरोना वायरस में गुजार लेंगे, ये काबिल कबूल नहीं है। इतनी कमाल की बात है कि जिनसे पैसा सूद पे दिया कर्जा उनसे पैसा लेंगे और जिनको देना है खातेदारों को उनको नहीं देंगे। और वो उन्होंने सही बात की कि पीछे तो 144 अरब का पैकेट है, 1200 अरब का पैकेट है और खान साहब बोले जा रहे हैं जो उनको कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना रजा बाकर को पता है पाकिस्तान का, ना हफीज शेख को पता है, ब्रीफकेस वाले लोग हैं। 10 दफा से कह चुका हूं ये वो लोग हैं जब पाकिस्तान आते थे अपना सैनिटाइजर साथ लाते थे, अपना वो पानी साथ लाते थे, अपनी नाक पर रुमाल रख के चलते थे और पाकिस्तान के बारे में गालियां दे के इस 22 करोड़ लोगों की तदलील करके, इस 22 करोड़ लोगों के आवाम को बुरा भला कह के वापस चले जाते थे। और मैं जब वहां जाता था, अब पाकिस्तान जाते हैं 20 साल बाद जाते हैं, ओ भाई तुम बैठ जाओ, बैठे रहो, खान साहब ने उन सारों को उठा के पाकिस्तान के सर पे खड़ा कर, चले जी अल्लाह ताला खैर करे जी। क्योंकि जब भी मैं मस्जिद की बात कहता हूँ तो लोगों को कुछ थोड़ी सी जो है वो उलझन सी होने लगती है। वो जो अकबर ने कहा था कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, कि हम इस जमाने में कह रहे हैं कि जी मस्जिद या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, वो हमारी इस सोसाइटी का एसेंस है, मरकज है, वो सरचश्मा फिक्र है, सरचश्मा हदायत है। अब आपने कहा कि 33,000 सेंटर चाहिए, आप यू विल बी अमेज्ड टू नो सर कि सिर्फ लाहौर में 22,000 मस्जिद हैं। सुभान अल्लाह। अब ये जो मस्जिदें हैं ये 1.25 करोड़ की आबादी, जिसको आप कह लें कि कितने घर बना लें इसको 6 के हिसाब से तकसीम करके, तो ये मस्जिद जो हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है, जहाँ पर मौजन भी मौजूद है और जहाँ पर एक खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले इमाम साहब भी मौजूद हैं, मस्जिद की कमेटी के अफराद भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप पॉलिटिकलों के लिए
وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے باقی چیزوں کے لیے بینک سے قرضہ لے, لیکن انہوں نے ذرا سات شرط رکھی ہے 4-5% انٹرسٹ کی. جی تو ہم مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اس بات کے لیے قائل کر سکیں کہ دیکھیں امریکہ نے, اٹلی نے, فرانس نے, بے شمار ملکوں نے انٹرسٹ ریٹ کو زیرو کر دیا. تو پاکستان تو اسلامی مملکت ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, اور ہم سارے اس سوسائٹی کو ویسے ہی انٹرسٹ فری سوسائٹی سینس میں بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک موقع ہے جس میں حکومت آگے بڑھ کر یہ اقدام کرے اور ایسے لوگوں کے لیے اس کی سہولت کرے. اچھا چھوٹے ایک بندے کے لیے جس کا اپنا گھر میں چھوٹا کاروبار ہے, وہ تو 40-50 ہزار سے چل جائے گا, لیکن جس کے پاس 10-15-20 ملازمین ہیں, جس کا ایک چھوٹا موٹا سکول ہے, جس کا کوئی ہسپتال ہے, تو ان کے لیے تو ظاہر ہے 25-50 ہزار سے کام نہیں چلے گا. تو اس میں پھر اسٹیٹ کے اداروں کو آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے, اور ہم سب کو بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آواز ان تک پہنچا سکیں, اور اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے تو مجھے امید ہے بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں سوال دونوں صاحبان سے پوچھوں گا کہ اس وقت آپ دونوں تنظیموں کو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپیل کریں لوگوں سے کہ آپ کو اس وقت فوری طور پر ضرورت کن چیزوں کی ہے. فنڈز تو اپنی جگہ پہ, اگر کوئی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہیں میڈیکل آلات کے اندر بھی یا راشن کے اندر یا باقی, جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کہا کہ قرضے ہنسنا والی اسکیم ہے کہ جس میں جو سفید پوش طبقے کی امداد ہو سکے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں, پھر دوسرا. میرے ساتھ ایک بھی ہے کہ اگر آپ یہ دونوں حضرات جو ہیں, اگر آپ کی تنظیمیں مل کے ایک ایسا کو بہت بڑے میڈیا لیول کی چیز جو ہے, وہ جیسے روز گورنمنٹ سے ہوتی ہے کہ جس میں پورے کا پورا پلان جو ہے ایک پورے بلو پرنٹ کے ساتھ بنا کے رکھا جا سکے, ظاہر بات ہے فگر تو اب تو ہر وقت موجود ہے, تو اگر کوئی ٹائم دیں تو تاکہ ہم لوگ اکٹھا کریں, ہم ایک بہت بڑے اس طرح کے ایونٹ کو جو کہ پبلکلی دنیا کو پتہ چلے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آلٹرنیٹو کوئی دینے کو تیار نہیں اس وقت.